कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 100 करोड़ रुपए मिले हैं। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 100 करोड़ मिले हैं। आयकर विभाग ने बुधवार शाम को कार्रवाई शुरू की थी, जो गुरुवार दोपहर तक जारी है। बताया जाता है कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के करीबी शराब कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। ओडिशा के संबलपुर, राउरकेला, बोलांगीर और बौद्ध सहित आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। संबलपुर में कुछ बैंक अकाउंट सीज करने की भी खबर है। गौरतलब है कि धीरज साहू और उनके करीबियों के कम आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी हुई थी। गुरुवार को भी कई ठिकानों पर छापा मारा गया। जो पैसे बरामद हुए हैं उनकी काउंटिंग जारी है। बताया जाता है कि अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद होने की सूचना है। अभी भी पैसे गिने जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ सकता है। आयकर विभाग ने बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड में छापा मारा। दावा है कि यह कंपनी धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू के नाम पर रजिस्टर्ड है। कंपनी पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि बुधवार को 3 राज्यों के आधा दर्जन ठिकानों पर शुरू हुई कार्रवाई गुरुवार को भी जारी है। आयकर विभाग ने बुधवार को ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता, ओडिशा के बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर के ठिकानों पर छापा मारा था। झारखंड के रांची और लोहरदगा में भी छापा मारा। हालांकि धीरज साहू के रांची और लोहरदगा आवास पर परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। बताया जाता है कि मामला शराब कारोबार में टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक धीरज साहू के रिश्तेदार के नाम पर ओडिशा में कई प्रतिष्ठान है। इसमें बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। गौरतलब है कि क्वालिटी बॉटलर्स में विदेशी शराब की बॉटलिंग होती है। धीरज साहू झारखंड के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। वे तीसरी बार सांसद बने हैं। मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले धीरज साहू ने 1977 में छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की थी। इस बीच जमशेदपुर में स्क्रैप कारोबारी के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा। गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने स्क्रैप कारोबारी विक्की भालोटिया के जुगसलाई स्थित दफ्तर और घर पर छापेमारी की। बताया जाता है कि आईटी की टीम खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज खंगालने में लगी है। इनकम टैक्स विभाग ने कारोबारी आरसी रोंगटा के ठिकानों पर भी छापा मारा। रामगढ़ के 3 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आयकर विभाग ने आरसी रोंगटा के 3 प्लांट और आवास और दफ्तर में छापा मारा। सीआरपीएफ जवान के साथ आयकर विभाग के अधिकारी गुरुवार सुबह छापेमारी के लिए पहुँचे।